रुक करते हैं प्रदेश की ओर। जिला बिलासपुर से 35 किलोमीटर दूर रतनपुर धार पर आज भी राजा दयानंद का 300 साल पुराना किला व काल कोठरी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण किले की खस्ता हालत दयनीय हो गई है। जिला बिलासपुर भाजपा संस्कृति अधिकारी नीलम चंदेल ने बताया कि इन जगहों का जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिला बिलासपुर के 35 किलोमीटर दूर रतनपुर धार पर आज भी राजा दयानंद का 300 साल पुराना किला व काल कोठरी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण किले की खस्ता हालत दयनीय हो गई है। शिवरात्रि के दो दिन हजारों लोग किले में मौजूद शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें मंदिर तक जाने के लिए उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ता है। मंदिर तक पक्का रास्ता न होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मंदिर में 3 कारागार मौजूद हैं। जो लोग राजा के आदेश नहीं मानते थे उन्हें इन काल कोठरियों में रखा जाता था। ये 300 साल पुरानी है। यहाँ पर एक पुराना शिवलिंग भी है। ये शिवलिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों का मानना है कि जो भी शिवलिंग के सामने नंदी बैल विराजमान है, वहाँ पर जो लोग अपनी मुराद मांगते हैं वे हमेशा ही पूरी होती है। शिवरात्रि पर यहाँ पर हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कोठरी नागानंद बाबा आनंद अखाड़ा ने बताया कि इस शिवलिंग की स्थापना राजाओं के समय में की गई थी। उस समय से यहाँ पर एक बोड़ी मौजूद है जिसमें से 24 घंटे पानी बहता रहता है। ये पानी कभी भी समाप्त नहीं होता है। गर्मियों में ये पानी ठंडा हो जाता है और सर्दियों में ये पानी गर्म भी हो जाता है। मंदिर व कारागार की दीवारों में उसमें की चित्रकला देखी जा सकती है। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मंदिर पर शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी सही ढंग से देखरेख न होने से 300 साल पुराने दौरान बने इस किले की हालत दयनीय बनी हुई है। इस मंदिर में एक ऐसी लिपि है, इसे पढ़ना असंभव है क्योंकि इस लिपि को कोई भी नहीं पढ़ सकता। जिला बिलासपुर भाषा सांस्कृतिक अधिकारी नीलम चंदेल ने बताया कि इन जगहों का जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में रिपोर्ट भेजी जाएगी। बैठे हुए 2001 में मैं यहाँ पर आकर बैठा था, तब ये खंड जहाँ मंदिर ये जो सराह बनी हुई पुरानी इसमें भी पेड़ उगे हुए थे सारे, अंदर चमकी दड़पुट कहाँ रहते थे। तो इसको 20 साल में आके हमने आके इसको फिर जब जहाँ आए हमने देखा इसको खंड पड़ा हुआ है। राजा लोगों को टाइम का बना 300 साल पुराना होगा ये मंदिर। तो ये 300 साल पुराना मंदिर है जिसको कोई देखभाल करने वाला नहीं था यहाँ पर। तो ये खंड बना हुआ था, इसको आके हमने फिर दोबारा से इसको हमने इसको ठीक करा है।